हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो IBA ने सभी UFU के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मीटिंग के लिए बुलाया है और उन्होंने 5 नवंबर यानी कि कल एक लेटर लिखा है UFU के कन्वेनर श्री संजीव कुमार बंदलीश को, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि IBA ने 9 नवंबर को 11:30 बजे कमेटी रूम में मीटिंग डिसाइड की है। इस मीटिंग में ऑफिसर और वर्कमैन यूनियन दोनों को ही इनवाइट किया गया है, जिसमें कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से 2 मेंबर्स को, NCBE की तरफ से 2 मेंबर्स को इनवाइट किया गया है। इस मीटिंग में फिर से BEFI को इनवाइट नहीं किया गया है। इसके अलावा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के भी 2 मेंबर्स को इनवाइट किया गया है और बाकी सभी ऑफिसर्स और वर्कमैन यूनियन से एक एक मेंबर को इनवाइट किया गया है। IBA ने इस लेटर में लिखा है कि जैसा कि ऑफिसर एसोसिएशन और वर्कमैन यूनियन सभी ने ही कॉस्ट शीट्स पर साइन कर दिए हैं, तो जल्द ही 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ज्वाइंट नोट पर भी साइन हो जाएंगे। इसीलिए IBA के नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन श्री राजकिरण राय जी ने डिसाइड किया है कि UFPU के साथ मीटिंग रखी जाए BEFI के अलावा, और इस मीटिंग में जो भी कॉमन इश्यूज होंगे वो डिस्कस की जाएंगी और उन्होंने UFPU के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इस मीटिंग को डिसाइड करने के लिए इनवाइट किया है। जहां सभी एक तरफ उम्मीद लगा रहे थे कि दिवाली से पहले 9 नवंबर को सेटलमेंट फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन चारों ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस ने एक जॉइंट सर्कुलर निकालकर सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ कांग्रेस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने IBA के सीनियर एडवाइज़र SK कक्कड़ को एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर की मीटिंग से पहले हम काफ़ी लेटर्स लिख चुके हैं IBA को, जो कि 17 अक्टूबर, 3 नवंबर को लिखे गए थे। इसके साथ साथ UFBU को भी एक लेटर 5 नवंबर को लिखा गया है। उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर अभी डिस्कशन बाकी है। पहली बात की गई थी कि 18 अक्टूबर से ऑफिसर्स की कंटिन्यूस मीटिंग चलेगी डे टू डे बेसिस पे, ताकि लॉजिकल कंक्लूजन जल्द से जल्द हो सके, लेकिन वो बात भी सफल नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ 24 अगस्त को जिन नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़ पे डिस्कशन हुई थी वो भी अभी पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुए हैं और उनको भी रिजॉल्व करना बाकी है। ये इश्यूज़ थे 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, लीव रूल चेंज और बाकी और भी कई इश्यूज़। इसके साथ साथ काफ़ी सारे नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़ पर डिस्कशन बाकी है और 3/11 को एक लेटर लिखा गया था, उसमें भी काफ़ी सारी एनोमलीज़ को शेयर किया गया था। इसीलिए ऑफिसर यूनियन का कहना है कि वो इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सभी ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि 9 को जो मीटिंग होने वाली है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि इससे पहले ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलग से IBA एक मीटिंग रखे और जो भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जो भी पेंडिंग डिमांड्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करें और कॉस्ट शीट में भी जो अनोमलीज़ हैं उनको भी रिजॉल्व किया जाए और 5 डेज बैंकिंग और अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर भी कोई सोल्यूशन दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया है। अभी शायद वर्कमैन एसोसिएशंस के साथ IBA की ये मीटिंग हो और देखते हैं कि नेक्स्ट 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में क्या अपडेशंस आती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।